देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। बैंक निजीकरण का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बीते दो दिनों से हड़ताल जारी है। इसी पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक श्री शीतल विज जी लिखते हैं, निजीकरण देश में एक बहुत चर्चित मुद्दा बन गया है। मोदी जी के अनुसार धीरे धीरे सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के साथ निजीकरण को उसकी जगह लेनी है, ताकि देश के आर्थिक विकास की गति तेज हो सके। सूचना मिली है कि 4 हवाई अड्डों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में अपनी हिस्सेदारी सरकार बेचने जा रही है। इससे पहले रेलवे स्टेशनों के परिसर का आंशिक संचालन और चंद महत्वपूर्ण रेलें भी निजी निवेशकों को देने की योजना थी। बस अड्डों के परिसरों पर तो निजी उद्यमियों का लगभग कब्जा हो ही गया है। अब मौद्रिक नीति में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नीति को इंदिरा गांधी की एक मुख्य उपलब्धि माना गया था और इसके द्वारा मौद्रिक बाजारों में सुचारू और कल्याणकारी व्यवस्था चलाने का लक्ष्य था। लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ भी निजीकरण का बोलबाला शुरू हो गया है। पहले तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को 4 बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों में विलय की योजना बनी। इसके बाद अब 2 मुख्य राष्ट्रीयकृत बैंकों और इसकी बीमा कंपनी को राष्ट्रीयकरण की घोषणा हो गई। इसके बारे में आर्थिकविद विशारदों में तीखे मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि निजी क्षेत्र में लाभ भावना की दौड़ देश के विकास की आर्थिक पटरी पर तेजी से दौड़ाएगी, लेकिन अन्य अर्थशास्त्री ऐसा मत नहीं रखते। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने चेताया है कि देश के मौद्रिक नीति के ढांचे में बड़े बदलाव खतरनाक होंगे। बड़े बैंकों का निजीकरण उन्हें कल्याणकारी लक्ष्यों से भटका कर कहीं मृत खातों के झटके में ना ले जाए। और जहां तक बड़े बड़े बैंकों के निजीकरण का प्रश्न है, ये भी अपने आप में बहुत सुविधाजनक नहीं है। रघुराम राजन का विचार है कि अगले 5 साल के लिए मुद्रा सिफत के लक्ष्य को नियंत्रित करने के लिए ऐसे बड़े बदलाव बाजार को प्रभावित करके अधिक जोखिम में डाल देते हैं। इधर प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में कर्मचारी संगठनों की राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के चलते कल सोमवार और आज मंगलवार देश में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। हड़ताल के कारण जमा और निकासी, चेक क्लियरेंस, ऋण स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। 9 यूनियन के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने बयान में दावा किया है कि बैंकों के करीब 10 लाख कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में भाग ले रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक सहित कई सरकारी बैंकों ने सूचना दे दी है कि इस हड़ताल में उनका सामान्य कामकाज, शाखाएं और कार्यालय प्रभावित हो रहे हैं। पिछले महीने अपने बजट में वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और एक बड़ी बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। इस सिलसिले में भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की 4, 9 और 10 मार्च को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। अब हड़ताल हो रही है, इसमें बैंक कर्मचारियों की लगभग सभी बड़ी यूनियन शामिल हो रही है। याद रहे, इससे पहले श्रमिकों की ट्रेड यूनियन ने भी निजीकरण के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल बजाया था। निजीकरण बनाम राष्ट्रीयकरण की ये समस्या गहरी पड़ताल मांगती है। पंडित नेहरू के काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था का सपना देखा गया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र को सहयोगी रूप से चलाना था और धीरे धीरे अपने कल्याणकारी योगदान को बढ़ाते हुए सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण पर छा जाना था। 1951 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस आर्थिक नीति को उदारवादी तेवर दिया, जिसके कारण निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन में बढ़ोतरी मिली। कोरोना काल में इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उदार साख नीति और 3 बड़े आर्थिक अनुदान पेश हुए। लक्ष्य था कि पूरे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है। परंतु अब इस प्रकार चलते हुए और लाभ देने वाली सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश करके भी उसे निजी क्षेत्र के हवाले कर देना एक ऐसी जीवत है जिसमें बाजी उल्टी पड़ सकती है और देश के करोड़ों गरीब गुरबा इससे और भी अधिक अवहेलना और उपेक्षा के ग्रत में डूब सकते हैं। इस बात का ध्यान रखकर ही अगले कदम उठाए जाएं तो बेहतर। शीतल विज।